हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, हमने आपसे ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है, ये वीडियो सीरीज़, इसमें हम आपको पीडीएफ से पढ़ाते हैं ताकि आपके सामने नोट्स भी रहते हैं। जो नोट्स आप रिवाइज़ करेंगे, बनाएंगे, फिर रिवाइज़ करेंगे, वही नोट्स से हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये कुछ तो लोगों को ये तरीका पसंद आता है, और एक तरीका वो जो कॉमन पुराना प्रचलित है कि जिसमें ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो उसके वीडियो सीरीज़ पूरी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है चैनल पे जा करके और पुरानी यूनिट्स की, मतलब जो यूनिट्स हैं उनकी, जो वो प्लेलिस्ट जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, डिटेल्ड में तो वही है, लेकिन यहाँ पर यह है कि उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम टाइम पर ज़्यादा रिविज़न चाहते हैं या फिर केवल उतना ही पढ़ना चाहते हैं तो जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो उस हिसाब से फिर हम ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे आपको। और अब अगला हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसकी परिभाषा एक तो पहले पूछी जाती है, तो उस परिभाषा को समझ लीजिए। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। मतलब घाते की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर है ये, पावर है ये। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वेग का मात्रक जैसे लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक है, तो समय के मात्रक को अगर हम ऊपर ले जाएं तो बल उस लंबाई का मात्रक पावर 1 और इंटू समय के मात्रक की पावर -1 हो जाएगा। अच्छा, लंबाई और समय जो है ये मूल मात्रक भी है, तो ये कहा गया था ना कि मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाए। तो मूल मात्रकों में जब आपका फॉर्मूला आ जाए तो जो पावर है उसकी 1 और -1, ये विमाएँ कहलाएंगी। तो ये अतः वेग की लंबाई में एक विमा है और समय में कितनी है, -1 है। तो जो पावर ये चढ़ाई गई है मूल मात्रकों पे, वो विमाएं कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये निष्कर्ष निकलता है कि मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है, यानी कि विमाएं तभी आपकी देखी जाएंगी जब आपका मात्रक जो है वो मूल मात्रकों में टूट चुका हो। कई मात्रक ऐसे होते हैं जो मूल में उसमें नहीं भी होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहीं पे, कि जैसे मान लीजिए सपोज बल की बात करें तो एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है। तो एम ए में जो है वो मास, द्रव्यमान, ये तो मूल मात्रक हो गया, ये मूल राशि हो गई, लेकिन त्वरण जो है वो मूल राशि नहीं होती है। तो त्वरण, तो इसका मात्रक जब हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने लिखा किलोग्राम और त्वरण फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब लिखेंगे, तो देखिए अब ये जो है समय और दूरी और द्रव्यमान सब मूल मात्रक आ गए। अब आप इनकी पावर देख सकते हैं तो आप बता सकते हैं उसके बारे में। जैसे यहाँ पे किलोग्राम और मीटर और सेकंड की पावर -2 है, तो बल की विमा द्रव्यमान में एक और दूरी में एक और इसमें समय में -2 है। तो ये जो पावर्स ऊपर लगी हुई हैं ये आपकी विमाएं कहलाती हैं। अब ये डेफिनेशन वाइज सही है, अगर वैसे आगे कभी पूछा जाएगा तो विमाएं की, इसकी विमा लिखो, तो विमा में क्या लिखना है, तो एक्चुअली हम विमीय सूत्र लिखते हैं वहाँ पे, तो वो प्रचलन में है विमी विमा मतलब विमीय सूत्र, लेकिन अगर एग्जैक्ट परिभाषा पूछी जाएगी तो फिर आपको यही पावर वाली परिभाषा ही लिखनी पड़ेगी। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र की, ये क्या होता है। देखिए, इसके बाद बात कर लेते हैं विमीय सूत्र की, कि ये क्या चीज़ होती है। तो किसी राशि के मात्रक में मूल मात्रकों के विमीय संकेतों में लिखने पर जो सूत्र मिलता है उसे उस राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। मतलब मूल मात्रकों के विमीय संकेत, ठीक है ना, ये सूत्र गलत है, विमीय संकेतों में लिखने पर। जैसे मान लिया लंबाई के लिए डिसाइड किया गया है कि एल यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, द्रव्यमान के लिए एम यूज़ किया जाएगा, समय के लिए जो है वो टी टाइम यूज़ किया जाएगा, लेंथ मास टाइम हो गए, और धारा के लिए ए यूज़ किया जाएगा, टेम्परेचर के लिए जो है वो के यूज़ करा जा सकता है, या फिर ये थीटा एच ये यूज़ करा जा सकता है। तो ये विमीय संकेत डिसाइड किए गए हैं। तो अगर हम जो है मात्रक को इनमें व्यक्त करते हैं, जैसे लंबाई के मात्रक की जगह हम एल लिख दें और समय के मात्रक की जगह हम टी लिख दें, तो उस केस में विमीय सूत्र प्राप्त होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया जाना चाहिए था, तो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, यही वाला जो वेग है इसी की विमा निकाल के बता देते हैं। तो वेग का विमीय सूत्र, तो वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो लंबाई के लिए हम एल रिप्रेजेंट कर देंगे तो एल टू द पावर 1, समय के लिए हम टी रिप्रेजेंट कर देंगे टी टू द पावर -1,
वन पावर लिखने से ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन, ठीक है ना। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बीमा लिखी जाती है तो एम एल टी तीनों लिखे जाते हैं, ये एक परंपरा है। तो एल टी माइनस वन आया है तो आप एम इसमें अपनी तरफ से लगा दीजिए, तो एम टू द पावर जीरो है ना, एल टी माइनस वन, और इसको आप जो है वो इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये विमा लिखने का प्रॉपर वे है, यही विमीय सूत्र है वेग का। तो ये आपको विमीय सूत्र के एग्जाम्पल के रूप में ये पूरा आपको लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिख के आपको समझा दिया है। इसके बाद देखिए विमीय समीकरण एक चीज आती है, डायमेंशनल इक्वेशन। विमीय समीकरण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने एक एक लैंग्वेज वाइज लिखा कि वेग का विमीय सूत्र है ना, और इज इक्वल टू एल टी माइनस वन ऐसे लिखा। ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको, वेग वेलोसिटी में ब्रैकेट लगा के लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि वेग की विमा चाह रहे हैं आप, और इज इक्वल टू एल टी माइनस वन करके लिख दिया, तो ये आपका विमीय समीकरण बन जाता है। मतलब इज इक्वल टू का साइन आ जाए, वहां पर आप लिख रहे थे वेग का विमीय सूत्र इतना है, यहाँ पर आपने उसको एक इक्वेशन वाइज रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल का साइन आ गया है। तो इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन बन जाती है, किसी भौतिक समीकरण के बाएं पक्ष में उसके संकेत को ब्रैकेट में लिखने पर तथा दाएं पक्ष में उसका विमीय सूत्र लिखने पर जो प्राप्त होता है समीकरण, उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे वेग का विमीय सूत्र जो है वो इज इक्वल टू नहीं लगाना, यहाँ एल टी माइनस वन है, तो विमीय समीकरण इसका होगा वी में ब्रैकेट लगा दिया, एल टी माइनस वन में ब्रैकेट लगा दिया और इज इक्वल टू लगा दिया, तो ये चीज आपका जो है वो विमीय समीकरण कहलाता है। तो वैसे आप जनरल लाइफ में पूछा जाएगा कि बल की विमा लिखो, तो आपको पावर नहीं बतानी है, आपको बस विमीय सूत्र ही लिख देना है उसका, ठीक है ना। तो ये सब केवल तब की बातें हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे यही चीज पूछ ली जाए कि विमा क्या होती है, तो फिर आप जो है वो ये चीज बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ आपको नॉर्मल जो बता देता हूँ विमाएं, जिनको कि आपको याद भी रखना है। तो जैसे पहला क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में जैसे आपका फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो दोनों ही लंबाइयां हैं तो एल इंटू एल यानी कि एल स्क्वायर, और चूंकि एम और टी भी लिखा जाता है तो एम और टी की पावर जीरो लगा दीजिए, तो ये एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, तो क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो गया, याद रखिएगा। वेग या चाल कुछ भी हो, उसमें लंबाई ऊपर आती समय नीचे आता है, यानी कि एल टी माइनस वन, और एम जीरो अपनी तरफ से लगा दीजिए, तो इससे ये वेग की विमा बन जाती है। और ये आपको याद भी रखनी है, एल टी माइनस वन जो है वो आप याद रखेंगे ताकि फ्यूचर में इसको कहीं पर डायरेक्ट यूज करा भी जा सके। फिर इसी वेग की अगर याद है तो इससे आपकी एक और क्वांटिटी बनती है जिसे कहा जाता है त्वरण। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल होता है, तो अगर आप वेग की विमा ऊपर एल टी माइनस वन याद करिए आपने, अपॉन समय टी और रख दें, तो ये टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस टू बन जाता है, याद रखेंगे आप इसे, और एम अलग से लगा दो तो एम जीरो एल टी माइनस टू हो गया। फिर बल, बल जो है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि एफ इक्वल टू एम ए ऐसे करके होता है, तो द्रव्यमान उसका विमा एम हो गई और त्वरण की विमा एल टी माइनस टू ऊपर याद ही करिए तो एम एल टी माइनस टू हो गया, ठीक है। और देखिए ये थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है, वेग से एल टी माइनस वन तो फिर एल टी माइनस टू त्वरण के लिए हुआ, फिर एम एल टी माइनस टू ये बल के लिए हो गया, और कार्य में क्या है एक दूरी का और विस्थापन का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाता है। बस इतनी विमाएं जो हैं, पांच विमाएं, ये कहा जाता है कि आप थोड़ा सा याद कर लें ताकि जो है इसमें जब भी आपको कहीं और ज़रूरत पड़े, तो वैसे होता है फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा ब्रेक करना पड़ता है तब जा करके विमा बन पाती है, लेकिन अगर ये थोड़े थोड़े याद रहेंगे चार पांच, तो ज़्यादातर फॉर्मूले जो है इनमें कुछ स्टेप में जाके एक दो स्टेप में वो इन्हीं में टूट जाते हैं, और इनकी आपको डायरेक्ट याद रहती है विमा, तो आप डायरेक्ट उसको फिर थोड़ा शॉर्ट तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर कई सारी भौतिक राशियाँ दी हैं और उनकी विमा निकालने के लिए तरीका बताया गया है आपको, बस इसका यह है फॉर्मूला जरूर मालूम होना चाहिए, कोई भी भौतिक राशि है उसका फॉर्मूला अगर पता है तो आप उसको आसानी से उसकी विमा निकाल पाएंगे। अब जैसे कार्य बटे समय है, कार्य की आपको याद ही है, समय टी नीचे सॉल्व कर दीजिए। संवेग पी इक्वल टू एम वी द्रव्यमान गुणा वेग होता है, इस फॉर्मूले से इसकी निकाली जा सकती है, यहाँ पे वैसे निकाली नहीं है। तो फिर दाब, दाब का बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल की और क्षेत्रफल दोनों की याद है तो आप वहाँ से करके सॉल्व कर सकते हैं। आवेग है जैसे बल गुणे समय, तो बल और समय दोनों का इसमें पता है आपको, बल की भी याद है आवेग समय की भी याद है तो तुरंत निकल जाएगा। बलागुण क्या होता है, बल गुणा दूरी होता है, तो बल गुणा दूरी, बल की भी मालूम है दूरी की भी मालूम है, तो मल्टीप्लाई करके ये बलागुण की निकल आएगी।
अब आप देखिए बल गुणा दूरी, ये ऊपर भी आया था एक बार, कहाँ पर कार्य जब किया था हमने तो वहां पे भी ये इस तरह से आया था, ठीक है ना। तो कार्य और बलाघूर्ण की विमाएं जो हैं वो सेम होती हैं। जैसे ही आपने ये देखा आपके इस दिमाग में दो क्वेश्चन बिल्कुल घूम जाने चाहिए। पहला पहला ये कि अगर पूछ दिया जाए कि क्या दो भौतिक अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएं समान हो सकती हैं, तो आप कहेंगे यस हो सकती हैं, जैसे कार्य और बलाघूर्ण दोनों की अलग अलग राशियां हैं, है ना, ये आपकी अदिश है ये सदिश है, लेकिन इन दोनों की विमाएं जो हैं वो समान हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोई दो भौतिक राशियां बताएंगे जिनकी विमाएं समान हों, तो आप बताएंगे कार्य और बलाघूर्ण ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं समान हैं। तो इस तरह से मतलब ये ऑब्जर्व करके पता लगता है कि जैसे आपका दिमाग घूम जाएगा कि हाँ भाई ये तो पहले भी आया था कहीं, वहां से फिर आप इसको ऊपर एनालिसिस करी और आपको पता लग गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ऐसा नहीं है कि करवाए नहीं गए हैं तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ये क्वेश्चन बोधात्मक होते हैं, मतलब आपको क्या बोध हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान रखें इस चीज को कि चीजों को ऑब्जर्व करें और अपने निष्कर्ष निकालना भी सीखें। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और क्वांटिटीज की जो आपके लिए थोड़ा टिपिकल हैं, तो ये क्वांटिटीज जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट भी हैं पेपर में ज़्यादातर यही आती हैं, इनको जो है हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व होने में मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसमें फिर आप लोग जो है हमारे साथ कॉपी पेन लेके भी बैठिएगा, क्योंकि सॉल्व भी इसको करना पड़ेगा, तब जा करके वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और फॉर्मूले भी दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। 10th के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो 10th पास करके आए हैं, उनको इसमें कुछ फॉर्मूले अब आगे ऐसे आएंगे कि जो उनको उन्होंने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन वो धैर्य बनाए रखें, अभी के टाइम पे उनको याद कर लें, और जब वो धीरे धीरे फिजिक्स को आगे और पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो फॉर्मूले उनके पास आते चले जाएंगे। तो अभी बस विमाओं को निकालने के लिए, विमीय सूत्र निकालने के लिए, काम चलाने के लिए उनको वो फॉर्मूले रट लेने हैं। तो ये समस्या तो रहती है खैर 10th वालों के पास, लेकिन वो लोग ये सोचें कि अगर 10th के बाद भी तो उन्हें 11th करना था, तो एक तरह से वो ये डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा में 11th का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है वो इस बात को दिमाग में रखते हुए तब उसके हिसाब से तैयारी करें। तो फिर वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और क्लासरूम स्टडी अगर करनी है तो चैनल पे लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट है, आप उसमें से कर सकते हैं। मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप जो है इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।